बिल्कुल रूडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एंड इस स्टूडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ कि अगर जो है वो आप SBI की जो है अभी रिसेंटली फॉर्म आई है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सेल्स एंड सपोर्ट, तो उसमें जो है वो कैसे जो है वो अगर आप चाहते हो कि इसमें रिजर्वेशन लेना है SC ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, तो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करने पर जो है वो आपको अच्छा खासा मीन्स मार्क्स में भी रिलैक्सेशन मिलता है और सीट्स भी रिजर्व होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है वो सीट्स देखोगे तो ये SC और ये ST की है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 5008 जो है वो टोटल वैकेंसी है, जिसमें SC वालों कैंडिडेट्स के लिए जो है वो 743 सीट्स है और ST वालों के लिए 467 सीट्स है। तो ऐसे ही जो है वो रिजर्वेशन आपको मिलेगा अगर आप SC या फिर ST जिस भी कैटेगरी से रिस्पेक्टिवली बिलोंग करते हो तो। ओके, तो उसके लिए जो है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एक वैलिड SC या फिर ST सर्टिफिकेट। तो वो जो है वो कैसा फॉर्मेट ये सभी होगा, कहाँ से आपको बनवाना है, ये कब तक का चलेगा, ये सभी मैं आप इसके वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी मेंशन स्पेसिफिक नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए। ओके, क्योंकि SC और ST जो सर्टिफिकेट होती है वो कास्ट सर्टिफिकेट होती है, और कास्ट तो भाई अब ऐसा तो है नहीं कि हर ईयर या हर महीने आपके कास्ट बदलते रहेंगे, तो इसलिए जो है वो आपका पुराना सर्टिफिकेट भी चलेगा, पहले ही जो है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेकिन आपका जो फॉर्मेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मेट अगर आपका बदलेगा तो फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सीधा लिखा गया हुआ है, अगर आप SC ST वालों के लिए देखेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल हैव टू सबमिटेड बाई SC और ST कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इफ़ कॉल्ड फॉर। ओके, अगर ज्वाइनिंग आपकी होती है तो आपको जो है वो ज्वाइनिंग के समय SC या फिर ST सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। ओके, एंड यहाँ पे एक पॉइंट और लिखी गई हुई है कि अगर जो है वो कोई स्टूडेंट SC या फिर ST का है जो कि माइग्रेट कर गया है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो फिर जो है वो अगर मान लीजिए एक स्टेट में जो है वो कम्युनिटी रहती है दूसरे स्टेट में नहीं रहती है, फिर भी जो है वो उन्हें SC या फिर ST का कैटेगरी मीन्स उन्हें जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा जो पहले उनका था सर्टिफिकेट। ओके, उनके बेसिस पे, तो यही यहाँ पे लिखा गया हुआ है। अब इसका फॉर्मेट ये सभी कैसा होगा वो सभी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, सो ध्यान से बने रहें वीडियो के अंत तक। तो देखिए ये जो है वो यहाँ पे आपको एक पेज का फॉर्मेट मिलता है, और ये फॉर्मेट जो है वो SC ST दोनों का लिखा गया हुआ है, लेकिन आप जिस भी कैटेगरी से हो तो वो आपकी जब सर्टिफिकेट बनेगी ना तो उसमें से जो अगर आप SC होगे, ओके फॉर सपोज़ कि SC और ST दो हैं, तो SC के अगर आप कैंडिडेट होंगे तो ST की चीज़ें इसमें नहीं लिखी होंगी, और अगर आप ST की चीज ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो SC की नहीं लिखी होंगी। ओके, तो ये बात आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑफिसर्स जो कि यहाँ पे बैठे रहते हैं ऑफिस में वो देख लेते हैं, उसी के बेसिस पे जो है वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं जो भी आप फॉर्म फिलअप करोगे। ओके, तो यह ऐसा एक पेज का फॉर्मेट है, और इसको डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कहाँ से सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है वो ये इतने सारे जो है वो लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिया गया हुआ है कि ये जो ऑफिसर्स हैं इन लेवल के ऑफिसर्स से आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। उसमें भी जो है वो यहाँ पर लिखा गया हुआ है कि इस पॉइंट को थर्ड नंबर आप करोगे तो रेवेन्यू ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, मीन्स जो भी आप सर्टिफिकेट बनवाओगे तो तहसीलदार रैंक के नीचे के ऑफिसर नहीं होने चाहिए, मिनिमम तहसीलदार या फिर सर्कल ऑफिसर या फिर जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर या फिर नायब तहसीलदार मालतादार या फिर इतने जो है वो ऑफिसर्स होते हैं उस रैंक के, आपको उससे नीचे के नहीं होने चाहिए। ओके, और जितने भी नाम यहाँ लिखे गए हैं वो सभी 100% वैलिड है। ओके, और यहाँ पे ये भी लिखा गया हुआ है कि अदर अगर ऊपर में जो भी लिखा गया हुआ है इनके अलावा अगर आप कुछ से बनवाते हो तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर सपोज़ कि अगर आप मुखिया से या फिर BDO से बनवा लोगे सर्टिफिकेट तो वो सभी वैलिड नहीं होगा। ओके, तो इसलिए जो भी यहाँ पे लिखा गया है उन्हीं से सर्टिफिकेट आपको बनवाना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। एक जो है वो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको सभी के लिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा गया हुआ है सर्टिफिकेट नंबर यहाँ दिया गया हुआ है। ओके, सर्टिफिकेट नंबर है जो कि ब्लड कर दिया है मैंने थोड़ी सिक्योरिटी पर्पज़ से, और ये डेट है, और यहाँ पे कैंडिडेट की जो है वो आप फोटोग्राफ देख सकते हो। ओके, एंड ये चूँकि गुजरात का है तो थोड़ा थोड़ा हल्का सा डिफरेंस होता है, फॉर्मेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे जो है वो कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, ओके, एड्रेस, ये सभी लिखा गया हुआ है जिस भी कम्युनिटी से मीन्स जो भी कास्ट है वो, और यहाँ पे आपका एक पेज का फॉर्मेट है, और नीचे में आप देखोगे तो ऑफिसर का साइन है। ओके, और यहाँ पे जो है वो ऑनलाइन के लिए अगर QR कोड भी मिला हुआ है और ऑफिस का सील भी है। तो अगर ऑनलाइन का जरूरी नहीं है कि अगर आप ऑनलाइन बनवा रहे हो तो सील और मोहर हो ही, अगर डिजिटली साइन सर्टिफिकेट है तो उसमें नहीं रहता है तो कोई भी इशू नहीं है,
और अगर आप ऑफलाइन बनवा रहे हो मीन्स मैनुअल अगर आपका सर्टिफिकेट बनता है तो उस केस में तो मैंडेटरी है कि आपके पास जो है वो सील एंड मोहर ये सभी होना ही चाहिए। ओके, अब इसके बाद जो है मैं आप सभी से बात करता हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट है ये इसके बारे में कुछ डिटेल्स, जैसे कि आप सभी सोच रहे होंगे कि भाई कितना पुराना सर्टिफिकेट चलेगा, तो आप कोशिश करो कि देखो फॉर्मेट इसका मेन है, अगर आपका फॉर्मेट मैच कर रहा है ना सर्टिफिकेट का तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 साल 4 साल 5 साल पुराना भी सर्टिफिकेट आपका चलेगा, ऐसा नहीं कि अब 10 साल 20 साल पहले का सर्टिफिकेट आप उठा के ले आओ ऐसा कि फॉर्मेट ही नहीं मैच करे, वो नहीं होना चाहिए। और थोड़ा रिसेंट का जितना सर्टिफिकेट हो तो अच्छा है, क्योंकि OB जो SC ST सर्टिफिकेट होती है उसमें जो है वो कुछ भी क्रूशियल डेट ऐसा चीज़ होता नहीं है कि इतना तक का इतना के बाद का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस फॉर्मेट मैच किया जाता है और आपकी नेम डिटेल्स ये सभी मैच की जाती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है वो इंट्रोडक्शन ये सभी हो चुका है, क्रूशियल डेट कुछ इतना स्पेसिफाइड होता नहीं है। देखिए वैलिडिटी SC ST की तब तक होती है मीन्स जब तक आपका फॉर्मेट चेंज नहीं हो जाए या फिर कुछ भी नया अमेंडमेंट नहीं हो, तो इसलिए आपका पुराना सर्टिफिकेट भी 100% चलेगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो प्रिपरेशन ये सभी की रिगार्डिंग भी मिल जाएगी। फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया और उसको डाउनलोड करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट बनवा कैसे सकते हो, तो देखो बनवाने के लिए जो है वो आप चाहे तो आप जो है वो ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओके, ऑफलाइन जो है वो ऑफिस में आप बकायदा जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो ऑफलाइन में जो है वो आप फॉर्म ये सभी फिल कर सकते हो, या ऑनलाइन में आप CSC सेंटर वालों से भी भर सकते हो, या फिर वेबसाइट से जाके खुद भी कर सकते हो, या फिर आप अगर कोई आपके नियर बाई एडवोकेट हैं तो वो भी उनसे भी आप संपर्क कर सकते हो जो कि आपकी मदद कर देंगे। ओके, एंड उसके बाद जो है बात करते हैं कि अगर वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा। तो देखो अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो लेकिन फिर भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वेरिफिकेशन का तो वही एक जरिया है, तो अगर वो नहीं प्रोवाइड करोगे तो फिर आपका कैंडिडेटशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड फिर आप जो है वो जॉब नहीं होगी। तो ये बात बहुत ही स्पष्ट है, आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। उसके बाद जो है वो प्रोविजनल और क्लियर स्टेट एंड सेंट्रल ये सभी लिखा हुआ है कि कुछ जगह जो है वो मीन्स हो सकता है कि सेंट्रल वाला जो फॉर्मेट है उससे मैच नहीं करे तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कुछ बोनस पॉइंट्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आप जब भी अप्लाई करते हो सर्टिफिकेट ये सभी के लिए तो अपना नेम ये सभी आप बनवाने के बाद जो है ज़रूर देख लेना। कितने स्टूडेंट्स जो है वो बस बनवा लेते हैं और बाद में जब उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तब उन्हें अचानक से देखते हैं कि भाई ये तो गलती है, तो इसलिए आपको ये सभी तमाम चीज़ें बहुत ही बारीकी से ध्यान से देख लेनी है और कन्फर्म कर लेनी है। अगर कुछ गलती है तो आपको सुधार करवा लेना है, और ये जो सर्टिफिकेट है वो कुछ भी फर्जी नहीं होना चाहिए। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ एडिट भी कर लेते हैं तो वो सभी नहीं चलेगा, बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगी, आपकी जो वेल एस्टेब्लिश नौकरी होगी वो भी चली जाएगी। तो इसलिए आपको कुछ भी ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं करना है, जो 100% ऑथेंटिक है। अगर आप जेन्युइनली आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तभी बनवाओ, वरना फर्जी करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, सो आई होप कि मैक्सिमम जो भी पॉइंट्स हो सकती थी मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश की है। एंड अगर आप कोशिश करो कि जो आपका सर्टिफिकेट है उसका लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश हो, हिंदी वाला और इंग्लिश वाला सर्टिफिकेट ही ज़्यादा मीन्स इजी होता है, और रीजनल लैंग्वेज में अगर सर्टिफिकेट है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कोशिश करो कि इंग्लिश में सर्टिफिकेट हो, नहीं बनता है तो आप हिंदी देख लो, और अगर फिर भी अगर नहीं बनता है तो फिर आप रीजनल भी बनवा सकते हो। तो यही कुछ जानकारी थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, एंड अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम बैंकिंग एग्जामिनेशन जैसे कि SBI क्लर्क, SBI IBPS PO, SBI PO या IBPS क्लर्क, इन सभी तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप टेस्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो, और टेस्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर सपोज़ कि अगर मैं SBI क्लर्क पर टैप करता हूँ तो देखोगे कि आप यहाँ पे जो है वो टेस्ट सीरीज, आपको इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे देखने को। ओके, तो यहाँ पे आपको पहले जो है वो ये सभी तमाम चीज़ें जो कि रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश ये सभी देखने को भी मिलेंगे, करंट अफेयर्स, बहुत इनफ नंबर ऑफ यहाँ पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलता है जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और फॉर सपोज़ की देखोगे यहाँ पे आप SBI कलर की तो यहाँ पे 210 मॉक टेस्ट है, और प्रीवियस ईयर भी आपको देखने को मिलेगा, फुल टेस्ट भी मिलेगा। ओके, मेमोरी बेस्ड टेस्ट भी मिलेगा, 10 फुल टेस्ट, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट, 42 चैप्टर टेस्ट। ओके, तो ऐसे जो है वो आप टेस्ट सीरीज, इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, यूजर्स की भी यहाँ पे आप प्रैक्टिसेस कर सकते हो जो कि आपके एग्जामिनेशंस में जो है वो हेल्पफुल होंगी। और अगर आप चाहो तो सुपर कोचिंग ये सभी भी ले सकते हो बैंकिंग के लिए। ओके, तो लाइव क्लासेस मीन्स अराउंड 200 to 300 पर मंथ लगती हैं, तो वो भी मीन्स महंगी नहीं है। और ये जो है वो फैसिलिटी आपको बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए मिलती है। फॉर सपोज़ कि अगर आप IBPS PO की बात करो तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो आप जो है वो अगर चाहते हो कि
बैंकिंग के लिए या फिर कोई भी अदर एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे कि जितने एग्जामिनेशंस है एसएससी की, बैंकिंग, टीचिंग, इतने एग्जामिनेशंस की अगर आप तैयारी किसी भी की भी करना चाहते हो तो आप टेस्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो। और टेस्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक भी मैंने आपको दे दिया है। और अगर इसकी मैं प्राइसिंग डिटेल्स की बात करूँ तो प्राइसिंग की बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे मैं प्राइसिंग डिटेल्स की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे ईयरली पास 365 की चल रही है, कभी 399 रहती है, कभी 365, तो ये ऑफ़र टू ऑफ़र डिपेंडेंट होती है। तो और यहाँ लाइफ टाइम पास जो है वो 599 के है, लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूँगा जिसको यहाँ पे नीचे में अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेस्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है JBYY16 या फिर 660W3, इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हो। और टेस्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ नीचे में अप्लाई कूपन पे टैप करना है और कूपन कोड एंटर कर देना है। कूपन कोड है JBYY16 और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए इसकी प्राइस जो है घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइस दिखाई दे रही थी 365, सो घट के जो है वो 329 हो गई, और यहाँ पे दिखाई दे रही थी 599, सो घट के 540 हो गई। तो ऐसे ही कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको जो है वो 10% to 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वैरी करते रहता है ऑफर टू ऑफर, ओके। तो आप जो है वो चाहे तो इसका पास परचेस कर सकते हो। और इसमें जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं एक बार पास परचेस करूँगा तो सिर्फ एक एग्जामिनेशंस की तैयारी होगा, ऐसी बात नहीं है। एक बार अगर पास चॉइस करते हो तो जितने सारे एग्जामिनेशंस हैं उन सभी एग्जामिनेशंस की आप तैयारी साइमल्टेनियसली कर सकते हो। तो इसलिए जो है एक बेटर ऑप्शन है अगर आप जो है वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो। और अगर आपके कोई और दोस्त या भाई बहन हैं तो वो भी इसे ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हैं, मीन्स एक डिवाइस में या दो डिवाइस में भी लॉगिन आराम से आप कर सकते हो। लैपटॉप पीसी के लिए भी कंपैटिबल है, तो इसलिए जो है ये बेटर है। और मीन्स सभी एग्जामिनेशंस के लिए तो जैसे मैंने कहा तो कुछ एग्जामिनेशंस के लिए अच्छी नहीं है। फॉर सपोज कि अगर आप जो है वो सोचोगे कि ये इंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे कि जेई मेंस ये सभी हो गई, तो उसके लिए उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इतना आपको इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज ये सभी देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए या फिर नीट के लिए, तो उसके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे कोचिंग ये सभी के लिए, तो इनफ नंबर ऑफ कोचिंग या फिर प्रैक्टिस पेपर्स ये सभी आपको देखने को मिलेंगे, ओके। फॉर बिगिनर्स लेवल के लिए भी अच्छी है, और अगर आप एक डिसेंट लेवल पे हो तो उसके लिए भी अच्छी है, ओके। सो आप चाहे तो इसे जो है परचेस कर सकते हो, लेकिन पहले जो है फ्री वाला आप इसका टेस्ट सीरीज ट्राई करना। अगर आपको इसका मॉक टेस्ट अच्छा लगेगा तभी जो है आप इसका प्रीमियम पास लेना, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स।